हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है सूजी आलू के रोल्स। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह की सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमने 500 ग्राम सूजी ली है और बारीक कटी हुई प्याज ली है। 400 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, उसको उबाल लिया था और उसको कस लिया है। मसालों में हमने जीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और नमक लिया है। ये हमने सोडा लिया है, मीठा सोडा, और मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, और हींग लिया है, और नींबू का रस लिया है। ये हमने जो 500 ग्राम सूजी ली थी वो हमने भिगो दी है और इसको कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए इस तरह से, और दही डाल के हमने इसको भिगोई है। अब हमने पैन रख दिया है और अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और ये हींग डाल देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटी थी। इसमें हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको हम थोड़ा चलाएंगे और गोल्डन कलर होने के लिए हम इसको अब हम इसमें आलू जो मैश किया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे और ये हल्दी डाल। अब इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। अब देखिए हमारे आलू का मसाला बनके तैयार हो गया। अब हम इसको नीचे प्लेट में उतार निकाल लेंगे। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमने ये स्टैंड रख दिया है, उसके अंदर हमने इस तरह से जाली रख दी है। आप इसके, आपके पास यदि ये नहीं हो तो आप भगोनी भी रख सकते हो और भगोनी के ऊपर ये स्टैंड रख सकते हो। ये आलू का मसाला है, उसको हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा ये लंबा स्टिक जैसा बना देंगे। देखिए इस तरह से हम बना के और इसको एक तरफ रख देंगे। अब देखिए हमने ये चार स्टिक बना लिए हैं। अब हमने दही डाल के जो घोल बनाया था वो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है हमको, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो खाने का सोडा होता है वो हम इसमें डालेंगे, और आपके पास यदि इनो हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच इसमें सोडा डाला और 1 चम्मच हमने छोटी नमक लिया और ये नींबू का रस लिया है, आधा नींबू का रस। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम घोल को चलाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए हमारा फूल चुका है। अब मैंने ये 4 गिलास लिए, इसमें मैं ये और इसमें मैं घोल डालूंगी
अब ये जो हमने आलू का स्टिक बनाया है वो हम इसके बीच में डाल देंगे, देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर फिर हम ये डाल देंगे गोल। तो देखिए इस तरह से चारों गिलासों में हम भर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा कम भरेंगे जिससे ये फूलेगा। देखिए चारों गिलास में मैंने भर दिया। अब हम ये ढक्कन हटाएंगे। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम ये गिलासों को चारों तरफ रख देंगे। अब हमने रख दिए चारों गिलास को, हम ढक देंगे कम से कम 15 मिनट के बाद में हम इसको चेक करें। अब हमारे 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ढक्कन हटाते हैं। देखिए हम हमारे कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम इसको नीचे उतार देते हैं। अब देखिए मैंने चारों गिलासों को नीचे उतार दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं, अब हमारे ये ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, क्योंकि जब मैंने इसमें घोल डाला था उस समय मैंने तेल लगाना भूल गई थी, तो इसलिए अब हम इस समय डाल रहे हैं तेल। अब इसको चारों तरफ से हम चक्कू की सहायता से इस तरह से चारों तरफ चक्कू लगा देंगे, जिससे इसको निकालने में सुविधा हो जाएगी। और अब हम इसको निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह करेंगे और ऐसे ये पूरा कटोरा निकल जाएगा। अब देखिए मैंने ये गिलास का पूरा निकाल चुकी हूँ। अब मैंने नॉनस्टिक पैन रख दिया है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। थोड़ी सी राई डाल देंगे। ये नीम की पत्ती क्रश करके डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे। गैस हम बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसको हम इस तरह से चारों तरफ से मसाला भी मिल जाएगा इसमें, और हम इस तरह से इसको सेक लेंगे। अब देखिए अब हमने गैस बंद कर दी है और हमारी चारों तरफ से सिक चुका है और मसाले भी लग गया। देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब हम इसको नीचे उतार देंगे। अब हम इसके पीस काट देंगे। देखिए अब इसके बीच में जो आलू भरा था वो कितना अच्छा इसमें कलर दे रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारे सूजी आलू के रोल्स तैयार हो गए बनके, और देखिए ये कलर कितना अच्छा आया है। और आप खा के देखेंगे तो लाजवाब है टेस्ट में, इसलिए आप ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।